जब कालिया नाग श्री कृष्ण से हार गया और कृष्ण उसके फन पर चढ़कर नाचने लगे, तभी नदी से बाहर निकलते समय कालिया नाग भयभीत होकर भागने लगा, जिसके बाद श्री कृष्ण ने उसे श्राप दे दिया कि वह जहां भी पीछे मुड़कर देखेगा वहां पत्थर का हो जाएगा। वृंदावन से करीब 5 किलोमीटर दूर जैत गाँव में कालिया नाग ने पीछे मुड़कर देखा और वह पत्थर का हो गया। बताया जाता है कि ब्रिटिश शासन के दौरान पत्थर के रूप में बना कालिया नाग जमीन में धस गया था। ब्रिटिश सरकार ने पत्थर के बने कालिया नाग को ले जाने के लिए अपने सैनिकों से खुदाई करवाई। इस बात की जानकारी होने पर ग्रामीणों ने जमीन में धसे कालिया नाग को निकालकर छिपा दिया और भारत की आजादी के बाद ग्रामीणों ने फिर दोबारा कालिया नाग को उसी स्थान पर स्थापित कर दिया, जिसके बाद अब वहां एक मंदिर बन चुका है और कालिया नाग की पूजा अर्चना की जाती है।